हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाने जा रहे हैं सिंपल इजी इंस्टेंट होममेड आइसक्रीम। समर सीज़न चल रहा है और बहुत अच्छे मैंगोज आ रहे हैं, तो मैंगो आइसक्रीम खानी तो बनती है। इसके लिए हमने लिया है मैंगो का पल्प। यह हमने मैंगो छील लिया था और उसको मिक्सर में ब्लेंड कर लिया है अच्छे से। ऐसे मैंगो पल्प ले लेंगे। अब यह हम मिक्सर में डालेंगे। इसमें डालेंगे 1 कप फ्रेश मलाई। मलाई की जगह आप क्रीम भी यूज़ कर सकते हैं, मैंने फ्रेश मलाई ली है। एक बाउल डालेंगे दूध, एक बाउल सूखा दूध का पाउडर, नेस्ले का दूध का पाउडर लिया है मैंने। 1/2 कप डालेंगे पिसी हुई शक्कर और इन सबको अब अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसे हमने अच्छे से पीस लिया है। अब इसे हम एक बॉक्स में डाल लेंगे। ये देखिए कितना क्रीमी एंड स्मूथ टेक्सचर आया है। अब इसे हम कवर करके 2 घंटे के लिए फ्रीज़र में रख देंगे। उसके बाद हमें निकाल के दोबारा से मिक्सी में डाल के इसको एक बार पीसना है। 2 घंटे हो गए हैं, अब इसे मैंने वापस से निकाला है और इसे दोबारा से जार में डालकर एक बार फिर से ब्लेंड कर लेंगे। अब इसे हम वापस से बॉक्स में डालकर 6-7 घंटे के लिए रेफ्रिजरेट कर देंगे। उसके बाद हमारी आइसक्रीम बिल्कुल बनकर तैयार हो जाएगी। अब हमारी आइसक्रीम बिल्कुल रेडी है, इसे अब हम निकाल लें। यह हमने बॉल में से निकाल लिया है। अब इसे हम अपनी मनपसंद जैसे हमें अच्छा लगता हो थोड़ा डेकोरेट कर लेंगे। मैंने यहाँ थोड़ा हर्षी सिरप लिया है और थोड़ा सा ये है रूह अफ़ज़ा। ये देखिए अब हमारी आइसक्रीम बनके तैयार है, विदाउट एनी कलर, विदाउट एनी एसेंस, बिल्कुल घर के सामान से। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।